अस्सलाम वालेकुम, आई एम इरफान फ्रॉम मक्का हार्डवेयर एंड पेंट स्टोर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ जिसे देखने के बाद आपके नॉलेज में एक और इजाफा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अक्सर हजरात के माइंड में ये सवाल आता है या अक्सर हजरात हमसे पूछते हैं कि भाई एल्फी अपनी बोतल के अंदर क्यों नहीं चिपकती, या फिर जब भी हम एल्फी को इस्तेमाल करते हैं तो जब दोबारा इस्तेमाल करने लगते हैं तो एल्फी या तो अपनी बोतल के अंदर खुश्क हो जाती है या फिर अपनी बोतल के ऊपर वाली साइड पे जम जाती है। ऐसा क्यों होता है कि एल्फी अपनी बोतल में क्यों नहीं चिपकती? अगर आप लोगों ने भी एल्फी का इस्तेमाल किया है तो यकीनन आपके माइंड में भी ये सवाल आया होगा कि भाई एल्फी अपनी बोतल में क्यों नहीं चिपकती। जब भी हम बाहर कोई चीज़ जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये फ़ौरन उसके साथ चिपक जाती है, जुड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एल्फी हवा के साथ रिएक्शन करती है और हवा एल्फी को खुश कर देती है। आपने नोट किया होगा कि आप जब भी किसी चीज़ को जोड़ने के लिए एल्फी को उसकी बोतल से बाहर निकालते हैं या जिस चीज़ को जोड़ते हैं उसके ऊपर लगाते हैं तो वो फ़ौरन खुश्क हो जाती है। वो इसलिए खुश्क होती है कि उसके ऊपर जब हवा पड़ती है तो वो फ़ौरन ड्राई हो जाती है। और इसी वजह से एल्फी बनाने वाली कंपनियाँ जब एल्फी को इसकी बोतल के अंदर फिल करती हैं तो वो बोतल में से सबसे पहले हवा बिल्कुल इसमें से खारिज कर देती हैं, हवा निकाल देती हैं, हवा का एक कतरा भी नहीं रहता। उसके बाद एल्फी के केमिकल को इसके अंदर फिल करती हैं और इसको एयर टाइट बंद कर देती हैं। और अक्सर हजरात हमें कहते हैं कि भाई हमने एल्फी इस्तेमाल किया, जब दोबारा इस्तेमाल करने लगते हैं तो वो अपनी बोतल के अंदर खुश्क हो जाती है, हमारा नुकसान हो जाता है। वो इसीलिए नुकसान होता है कि जब वो बोतल को इस्तेमाल करते हैं या एल्फी को इस्तेमाल करते हैं तो वो उसको एयर टाइट अच्छी तरह से बंद नहीं करते, जिसकी वजह से हवा का एक कतरा भी इसके अंदर जाने की देर है तो वो हवा इस पूरी एल्फी को खुश कर देगा। तो दोस्तों, आप जब भी एल्फी का इस्तेमाल करें तो उसको अच्छी तरह एयर टाइट बंद करें तो आपकी एल्फी कभी भी बोतल के अंदर खुश्क नहीं होगी। तो दोस्तों, यही वजह है कि एल्फी अपनी बोतल के अंदर नहीं चिपकती। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।